हेलो दोस्तों, ये है नारियल और इससे बनाने वाली हूँ मैं बहुत ही टेस्टी मिठाई। ताज़ा नारियल से बहुत ही टेस्टी मिठाई बन के तैयार होती है, ना कोई खोआ ना मावा का झंझट, इससे बहुत ही टेस्टी मिठाई बनेगी। तो मैं इस तरीके से नारियल को छील ली हूँ, थोड़ा सा ऊपर रह गया है भाग, इसको भी छील के हटा दूँगी। पर लेडीज़ों को नारियल तोड़ना नहीं चाहिए, तो ये तोड़वाऊँगी अपने हस्बैंड से, क्योंकि नारियल को बोलते हैं लोग कि बंस माना जाता है, तो लेडीज़ नहीं तोड़ती हैं। अब इस तरीके से तोड़ने के बाद, उसका काला भाग हटाने के बाद, बारीक इस तरीके से कद्दूकस से बारीक तरीके से घीच ली हूँ। मोटे तरह से नहीं करना है, बिल्कुल बारीक वाला जो बीच वाला होल होता है उससे ग्राइंड कर लेना है कुछ इस तरीके से। और इससे बहुत ही टेस्टी मिठाई बनके तैयार होती है नारियल की, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। इस तरीके से मिठाई बनाएंगे नारियल का घर पे, तो मार्केट का मिठाई एकदम लाना भूल जाएंगे। हमें ले लेना है कोई भी बर्तन, फ्राई पैन या कढ़ाई, उसमें लेना है थोड़ा सा देसी घी, उससे और भी स्वाद अच्छा आता है। तो ले लेना है देसी घी, उसमें डाल लेना है अपना घिसा हुआ नारियल। फ्लेम को बिल्कुल डिम करना है, अभी इसमें कोई पानी वगैरह ज़्यादा नहीं है, फ्लेम हाई रहेगा तो जल जाएगा। तो फ्लेम डिम करके हमके यहाँ पे हल्का सही से जो है इसका पानी सुखा लेना है, भून लेना है। उसके बाद जब ये थोड़ा सा पानी इसका सूख जाए, बिल्कुल डीप फ्लेम पे करते हुए हमें ये चलाना है। यहाँ पे कुछ इस तरीके थोड़ा सा लेना है, बहुत जरा सा इसमें दूध, और ये पका हुआ दूध है, बिल्कुल थोड़ा गाढ़ा करा हुआ। उसके बाद इसी में हम डाल लेंगे जो है 50 ग्राम के करीब चीनी। चीनी की मात्रा यहाँ नारियल में बहुत ज़्यादा नहीं रखनी है, और दूध इसमें लिया गया है, चीनी हमारी अच्छी तरीके से जो है पिघल जाए और नारियल अच्छा हो जाए। इसको डीम फ्लेम पे हमें चलाना है, बहुत ज़्यादा फ्लेम को हाई नहीं करना है, यहाँ पे भी जल जाएगा। तो अच्छी तरीके से जब पक जाए नारियल और दूध चीनी सब अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाए, तो भी हमारी चीनी अच्छी तरीके से पिघली नहीं है, तो इसको चलाते जाना है। उसके बाद यहाँ पे कुछ जूस जूस सा बन गया है, तो अब हमें फ्लेम को डिम करके इसको डिम फ्लेम पे अभी भी चलाते जाना है अच्छी तरीके से, जब तक बिल्कुल अच्छी तरीके से सूख न जाए। इस तरीके से उबल रहा है तो इसको उबलने देना है। अब हमें यहाँ पे ले लेना है मिल्क पाउडर, 10-10 रुपये का पैकेट है, 2 पैकेट यहाँ पे लग जाएगा। मेरा दूध खत्म हो गया है घर का बड़ा वाला, तो इसी से काम चल जाने वाला है, मात्र 20 रुपये के इस दूध के पाउडर से। इसको इस तरीके से कट करके निकाल लें, अब इसमें डाल देना है, और हमें डिम फ्लेम पे इसको अच्छी तरीके से चलाते हुए भून लेना है। थोड़ा सा मिल्क पाउडर यहाँ पे डालने से नारियल की जो बॉन्डिंग होती है अच्छी हो जाती है। हल्का सा यहाँ पे डालेंगे इलायची पाउडर, अच्छी खुशबू और अच्छे फ्लेवर के लिए। इलायची का स्वाद थोड़ा सा मीठे में अच्छा लगता है, तो इस तरीके से डाल लेना है। काफ़ी हद तक सूखा हो गया है कि नारियल एकदम थोड़ा सा, और इसको हम फ्लेम डिम करके भूनेंगे तो अच्छी तरीके से इसका जितना पानी हो उतना एकदम बिल्कुल ख़त्म कर लेना है। और ये अच्छी तरीके से पक चुका है, जो हमारे फ्राई पैन को छोड़ दे रहा है। इस तरीके से देखिए बिल्कुल सूख चुका है इसका पानी नारियल का, और जिसमें हम दूध डाले थे चीनी, वो अच्छी तरीके से सब सूख गया है। अभी हल्का फुल्का जो है उसको हमें इस तरीके से कुछ भूनते हुए, क्योंकि अगर थोड़ा भी इसमें नमी रही और पानी रहेगा तो अच्छी तरीके से जमेगा नहीं, और मीठा अगर कुछ दिन रह गया तो ख़राब हो जाएगा, तो उसको हमें रख देना है ठंडा होने के लिए। अब ले लेना है हमें बेसन, ये 500 ग्राम बेसन है, उसको हमें अच्छी तरीके से चाल लेना है बिल्कुल इस तरीके से, कि भुनेंगे हम तो गाँठे या लम्स नहीं पड़ेगा, और कुछ बरसात का मौसम है तो थोड़ा सा उसे चेक करना बनता है, तो चाल लेना है। अब हमें लेना है यहाँ पे देसी घी, और डिम फ्लेम पे हमें जो भी बेसन हम चाल के रखें उसको अच्छी तरीके से भून लेना है।
घी थोड़ा सा गर्म हो जाने देते हैं, नहीं तो इसमें बेसन जाएगा तो गाठे लम्स पड़ जाएंगे। तो इस तरीके से घी गर्म हो गया है और हमें सारे बेसन को भून, बेसन दो तरह के आते हैं, एक बिल्कुल बारीक एक मोटा वाला, जो भी है दोनों ठीक रहेगा इसमें। और हमें डिम फ्लेम पे तब तक भूनना है जब तक बेसन हमारा अच्छी तरीके से भून न जाए और अच्छी खुशबू न आने लग जाए, क्योंकि जो है बेसन हमारा कच्चा रहा तब भी उसमें से कच्चेपन की बदबू आती है और स्वाद अच्छा नहीं आता मीठे में। तो हमें बिल्कुल डिम फ्लेम करके अच्छी तरीके से भूनना है। काफ़ी हद तक ये हो गया है, थोड़ा थोड़ा सा खुशबू आने लग गया है बेसन से, दिखा रही हूँ ये देखिए, बस कलर थोड़ा सा चेंज हुआ है हल्का, और थोड़े देर के लिए और भून के उसके बाद इस फ्लेम को बंद कर देंगे, इसको ठंडा होने देंगे। अब ले लेना हमें यहाँ पे 500 ग्राम दूध, 500 ग्राम बेसन था तो फुल क्रीम, 500 ग्राम यहाँ पे ली हूँ दूध। बेसन और नारियल को ठंडा होने देते हैं, यहाँ पे फ्राई पैन या टब जो भी हो उसमें दूध को हमें गाढ़ा कर लेना है, थोड़ा सा गाढ़ा क्या एक उबाल आने देना है। दूध को खोल लेती हूँ और इसमें उबाल आने के लिए मैं रख देती हूँ। पानी बिल्कुल नहीं डालना है, क्योंकि पानी अगर हम डालेंगे तो मीठा खराब होने का चांस रहेगा। तो यहाँ पे दूध में उबाल आने देना है। काफ़ी हद तक दूध उबल गया है। यहाँ पे लेंगे हम 250 ग्राम चीनी, 500 ग्राम बेसन था और 500 ग्राम ही ये अपना दूध है, 250 ग्राम चीनी लेंगे और इसको हमें डिम फ्लेम पे अच्छी तरीके से चलाते हुए गाढ़ा करना है, बिल्कुल एक तार की जो चाशनी बनती है उतना अच्छी तरीके से फ्लेम को डिम कर देना है, इसे पकने देना है। इसमें डालेंगे थोड़ा सा इलायची पाउडर, बस थोड़ा गाढ़ा हो चुका है, देख के पता चल रहा है थोड़ा सा। उसके बाद हमें अभी भी हल्का से इसको पे ये चेक करना है कि चाशनी की तरह हो हुआ है नहीं, हल्का सा भी पतला ही लग रहा है, इसको पकने देते हैं। बिल्कुल पतला जैसा रहा उसमें डालेंगे तो मीठा हमारा ख़राब होगा, तो चाशनी जैसा बन जाए तभी डालें बेसन को अपने। काफ़ी हद तक यहाँ पे उबल के गाढ़ा हो रहा है। उसके बाद हमें इसमें बेसन को अपने डालते जाना है, इकट्ठे इस तरीके से न डालें कि गाठे लम्स रह जाए, थोड़ा सा फैलाते हुए डालना है जिससे हमारे मीठे में गाठे न पड़े। वैसे तो उबलने लगेगा तो अच्छी तरीके से सारे लम्स फूट जाते हैं, फिर भी कोशिश करें कि अच्छी तरीके से इसको फैलाते हुए डालें। जो हम भून के बेसन रखे थे वही भुना हुआ बेसन है यहाँ पर, कुछ इसको सारे को हमें अब अच्छी तरीके से इसको डीम फ्लेम पे हमें पकने देना है। फ्लेम को बिल्कुल डीम रखना है, ज़्यादा वैसा नहीं, हाई फ्लेम पे नहीं करना है जो जल जाएगा। तो फ्लेम को डीम करते हुए हमें अच्छी तरीके जो गाठे लम से इसको तोड़ लेना है चलाते हुए अच्छी तरीके से। ये अच्छी तरीके से बिल्कुल भून गया, अभी भी इसमें है थोड़ी नमी टाइप है और थोड़ा गीला लग रहा है, तो इसको अच्छी तरीके से भूनना, एकदम बिल्कुल कोई नमी वगैरह कोई लूजपन इसमें नहीं होना चाहिए। अच्छी तरीके से भूनेंगे तभी ये परफेक्ट इस जब हम जमाएंगे या मीठा बनाएंगे तो इसका बन पाएगा। हल्का सा डालते हैं इसमें घी, जो नमी है चिपकेगा, जो नमी है वो बिल्कुल ना रहे, अच्छी तरीके से इसका सारा जो है ख़त्म हो जाए और ज़्यादा गाढ़ा हो जाए, चिकनापन। हाथ में लेके थोड़ा सा इस तरीके से गोली बनाएंगे तो अच्छी तरीके से बनने लग जाए, हाथ में ना चिपके और ना ही वैसा लगे। ये देखिए परफेक्ट जम रहा है, बिल्कुल ठंडा हुआ तो अभी जमेगा क्योंकि ये अभी गर्म है। इसका हमें कर लेना है 2 से 3 भाग करने वाली, पहले 2 भाग तो निकाल दे रही हूँ, 1 भाग फ्राई पैन में रहने दे रही हूँ, और किस वजह से वो दिखाऊंगी आगे वीडियो में दिख जाएगा। उसको कुछ हटा लेने वाली हूँ, या एकदम 2 कलर का मीठा बनाना चाहे तो इसी तरीके से निकाल के पूरा का पूरा बनाया जा सकता है, कोई ज़रूरत नहीं है, पर इसमें मैं 2-3 कलर का बनाने वाली हूँ इस वजह से उसको हटा रही हूँ, इतना रहने देती हूँ। इसको परफेक्ट हो गया एकदम,
तो इसमें डालने वाली हूँ थोड़ा सा अपने हिसाब से, जो भी घर में कलर हो डाल लेना है। इसको थोड़ा सा मैं इसमें कलर डालने वाली हूँ, फूड कलर हल्का सा। यहाँ पे रेड कलर डालूंगी हल्का, बहुत जरा सा। इसको चला लेना है क्योंकि ये यहाँ पे ऑरेंज कलर हो जाने वाला है ये कुछ। इसको मैं अच्छी तरीके से चलाते हुए ठंडा होने के लिए छोड़ दूँ। पहले से जो हम निकाल के रखे हुए थे भुने हुए, उसमें से थोड़ा सा ले लेने वाली हूँ। और इसका हमें जो भी कलर देना चाहे अपने मन मुताबिक इसमें डाल सकते हैं। इसमें डालने वाली थोड़ा सा ग्रीन कलर, अच्छी तरीके से इसको हमें चला लेना है ताकि सारा कलर अच्छी तरीके से मिल जाए। और ये देखिए लाइट ग्रीन हो गया कुछ। इससे हमें अभी काफ़ी हद तक ये गर्म है तो इसे हमें ठंडा होने देना है, थोड़ा ठंडा हो। फ्राई पैन भी गर्म है इस वजह से फटाफट इसमें काम हो जा रहा है। अब मैं ले ली हूँ वो तीसरा वाला भाग। इसमें डालें थोड़ा सा येलो कलर क्योंकि बेसन पीला पीला है, हल्का सा, बहुत ज़रा सा इसमें कलर चाहिए। हल्दी हो तो हल्दी भी यहाँ पे डाली जा सकती है, हल्दी का भी कलर थोड़ा सा इसमें पड़ेगा तो अच्छा आता है। यहाँ पे मैं कलर डाली हूँ। अब ये तीन कलर में हमारे ये बन के एक ही बेसन से 500 ग्राम मात्र बेसन से तीन कलर तैयार हो गया है। अब हमें कोई थाली प्लेट ट्रे कुछ भी ले लेना है, उसमें निकाल के जो है नीचे घी लगा ली हूँ ताकि अच्छी तरीके से जब हम कट करें तो चिपके नहीं, निकल जाए आसानी से। नीचे घी लगाने के बाद एक कलर को मैं फैला रही हूँ इस तरीके से। और इसको कुछ इसके गीला है तो अच्छी तरीके से फैला लेना है। जब काफ़ी हद तक सूख जाता है तो फैलता भी नहीं है, जम जाता है एकदम से। तो ये फैला। अब लेना है हमें नारियल, जो अपना हम पहले से भून ऊन के तैयार करके मीठे की तरह रखे थे वो ले लेना है। यहाँ पे एक लेयर उसका देना है नारियल का, और उससे हाफ से थोड़ा कम मैं रख दे रही हूँ। और इस पर बिछा देना है बहुत, इसमें पतली कोटिंग देनी है नारियल की। उसके बाद थोड़ा और भी रहता तो अच्छा रहता, चल जाता, पर यहाँ पे इतना ही बचा है। तो एक बारी कोटिंग नारियल के होगी, ऊपर से एक लेयर ये लाइट ग्रीन। इस तरीके से सारा फैला लेना है हमें। राम राम से इस तरीके से किसी पलटे वगैरह से, कटोरी होती है स्टील की जो अच्छी पेंदी वाली, तो उसमें भी हम घी वगैरह लगा के दबा के फैलाते हैं तो उससे भी अच्छी तरीके से फैल जाता है। अब यहाँ पे कांड कुछ और हो गया है। बेटा आया, इसको मैं रखी थी कि बोला मम्मा क्या बना रही हूँ, मैं बोली बर्फी, तीन लेयर वाली ये बर्फी बना रही थी मैं। बोला नहीं मम्मा बर्फी कौन खाता है, मुझे नारियल रोल कर दो, इसको नारियल रोल बना दो। अब देखिए यहाँ पे कहानी कुछ और चेंज हो गई है। अच्छा हुआ कि ज़्यादा ये सूखा नहीं था, गुनगुना था। अब मैं इसको रोल के तरीके से मोड़ देने वाली हूँ। बर्फी का मूड कुछ चेंज हो गया। पहले पता होता, पहले बताया होता तो मैं पतला पतला करती इसको। और देखिए चीज़ वही है, सिर्फ सेब से उसका मूड ख़राब हो गया। बोला नहीं कौन खाएगा बर्फी, अब मुझे इसे अलग रूप देना पड़ा। पर आप सब अगर बर्फी इस तरीके से थ्री लेयर का जमाते हैं तो बहुत ही टेस्टी बर्फी बन के तैयार होती है। मुझे बच्चे के मुताबिक चलना पड़ रहा है यहाँ पे, जो कि इससे कट करके मैं पहले बताया होता तो थोड़ा थोड़े पीस में मैं इसको कट करके उसको जो है रोल बना के दे दी होती नारियल रोल, पर अब इस तरीके से हमें करना पड़ रहा है। तो आप उस तरीके से बर्फी जमा के रख सकते हैं। ये चानी का वर्क मैं पहले ही प्लेट में निकाल चुकी थी जो कि बर्फी पे लगाने के लिए, अब मुझे इस पे लगाना पड़ रहा है क्योंकि वो प्लेट में निकाल के रख चुकी थी और वो ख़राब हो जाएगा, तो इस पे लगा दे रही हूँ ताकि थोड़ा सा कुछ अच्छा देखने में लग जाए। अब बेटे के मुताबिक कहने पे तो मैं बर्फी को नया रूप दे ही दी हूँ। इस तरीके से कुछ हो गया है। अब हमें इसको सूखने देना है, वो सूखे, देखती हूँ कैसा शेप उसका आता है जो है नारियल रोल का। अब हमने जो नारियल थोड़ा सा बचा के रखा था, हाफ भाग से कमी था, वो ले लेना है। नीचे प्लेट में मैं घी लगा चुकी हूँ और इसको अच्छी तरीके से फैला लेना है।
उसके बाद ये है हमारा मीठा जो बेसन वाला है, जो येलो भाग में थोड़ा सा बचा के रखी थी करके, वो है। मैं दो तरह की बर्फ़ी बनाने वाली थी, एक 3 कलर का और एक 2 कलर का, और यहाँ पे वो वाला कहानी कुछ बच्चे के मुताबिक मैं चल दी, और एक ये अपने मुताबिक शेप जो देना है वो दे ही रही हूँ बर्फ़ी का, और उसके हिसाब से मैं रोल कर थोड़ा सा ड्राई फ्रूट से यहाँ पे सजा दे रही हूँ। जो भी ड्राई फ्रूट हो इसमें डाल सकते हैं। इस पर मैं अब चांदी का वर्क नहीं लगाने वाली, सिर्फ ड्राई फ्रूट, क्योंकि नीचे का लेयर जो है वाइट है और ऊपर भी वैसा होगा तो अच्छा नहीं लगेगा, तो येलो पे कुछ ड्राई फ्रूट से डालने वाली हूँ। इस तरीके से कुछ दबा के ठंडा होने के लिए छोड़ देने वाली हूँ, कुछ अंदर तक चला जाए। अभी गर्म है काफ़ी हद तक, हाथ से मतलब छूने पे जल जाएगा हाथ। अब वो थोड़ा पहले उसको कर चुकी थी, बड़े वाला जो 3 लेयर की बर्फ़ी थी उसको मैं मोड़ी हूँ। अब हमारा काफ़ी हद तक ठंडा हो गया है, थोड़ा टाइम के लिए चाहे तो आप जल्दी हो तो फ्रिज में रख सकते हैं या कमरे में पंखा चला के, तो उसका कुछ उस तरीके से जो है नारियल रोल हो गया। अब बर्फ़ी कट करके मैं दिखाती हूँ यहाँ पे, ये देखिए। इसको पकाएं जब भी तो थोड़ा सा अच्छी तरीके से पका लें, बिल्कुल इसमें लूजपन छोड़ना नहीं है, तभी हमारी बर्फ़ी बहुत ही परफेक्ट बनेगी। और जब उसमें कोई नमी नहीं रहेगा तो लंबे टाइम तक चलती भी है, नमी रहेगा तो ख़राब होने का चांस रहता है, तो ऐसा रिस्क नहीं लेना है। अच्छी तरीके से भूनना है और अच्छी तरीके से पकाना है और अपने मुताबिक शेप दे लेना है। इस तरीके से कुछ मैं कट करके हटाने वाली हूँ, ये अपना कट गया है, दिखाती हूँ। इसकी बर्फ़ी जो नारियल और बेसन की इस तरीके से बनाते हैं बिना खोए वगैरह की, बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही टेस्टी बर्फ़ी ये बनके हमारी तैयार होती है। देखिए वैसे ही, ये तो अपने मुताबिक शेप जो भी देना है दे सकते हैं। और इस तरीके से कुछ प्लेट में हटा लेती हूँ, देखें कितने झट से कितनी टेस्टी मिठाई बनके तैयार हो गई। और वो जो रोल पड़ा है बच्चे के मुताबिक जो हमने करा है उसमें, तो देखते हैं उसका क्या रिजल्ट आता है कट होके। ये देखिए ये बर्फ़ी तैयार हो गई। इस तरीके से बना सकते हैं, इसमें चाहे तो ड्राई फ्रूट की जगह चांदी का वर्क भी लगा सकते हैं, पर वर्क से ज़्यादा अच्छा और स्वाद हमें तो लग रहा है इसमें लगता है, और लगता भी है सच में। अब उसके बाद उसके रोल को लेती हूँ, यहाँ पे कट कर लेने वाली हूँ कुछ। मैं सोची इसी तरह से कट कर करके उसको पेड़े का शेप दे दूँगी, कट कर करके इस तरीके से कुछ दबा दूँगी, पेड़े का शेप दे दूँगी, पर नहीं, उतने में भी वो नहीं माना है, तो इसका शेप भी कुछ चेंज करने वाली हूँ उसी के मुताबिक। ये पेड़ा इस तरीके से सोची कि दे लूँ तो नहीं, उसको रोल चाहिए तो चाहिए, जो कि नारियल रोल चाहिए। अब मैं रोल करने बैठ गई हूँ, पतला पतला सा कुछ इस तरीके से। पर अगर रोल बनाते हैं बच्चे के कहने पे तो चांदी का वर्क ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उस पर ज़्यादा दिखता नहीं, रोल करने में पूरा इधर उधर हो जा रहा है। अब मैं ले ली हूँ नारियल का पाउडर, जो सूखे नारियल का पाउडर है ये, क्योंकि मुझे चांदी के वर्क से ज़्यादा अच्छा ये, बल्कि इसकी कोटिंग कर देने पे इसमें मतलब अच्छा लगा और खाने में भी स्वाद आ जाता है। तो कोशिश करें कि चांदी का वर्क ना लगाएं, तब भी इस तरीके से बना के और हम नारियल का कोटिंग करके पाउडर का बहुत ही टेस्टी मिठाई बना के तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ पीस मैं चांदी के वर्क वाला रखी हूँ यहाँ पे दिखाने, क्योंकि इसमें कहानी कुछ बच्चे वाला मिक्स हो गया है तो अलग ही हो गया, नहीं तो आप बर्फ़ी का ही शेप दें अच्छा लगेगा। और यहाँ पे उसका रोल तैयार कर रही हूँ, अब दिखाऊँगी आप सबको कि दोनों, एक जो मैं नारियल का पाउडर का कोटिंग करी हूँ वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है और स्वाद भी अच्छा आ रहा है, या ये चांदी का वर्क वाला, मुझे ज़्यादा अच्छा नारियल वाला लगा जिसमें हम नारियल का कोटिंग करे हुए पाउडर का वो। ये देखिए डिब्बे में इस तरीके से मैं पैक कर दी हूँ बेटे के लिए, उसका हो गया नारियल रोल इस तरीके से। कैसे बर्फ़ी से घूम के उसके मुताबिक इस तरीके से मुझे करना पड़ा, यहाँ पे थोड़ा मेरा टाइम लगा, पर आप सब इसका बर्फी ही बनाएंगे तब भी अच्छा लगेगा, इससे ज़्यादा स्वाद बर्फ़ी में आ रहा है। फिर चीज़ें वही हैं, जैसा कि वो बोला कि मुझे बर्फ़ी नहीं चाहिए रोल चाहिए, ये है वर्क वाली चीज़ें हैं जिस पर वर्क लगा था, मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। मैं इस तरीके से उसको कोटिंग नारियल से करके इस तरीके से सजा दी हूँ कुछ,
और ये नहीं है कि रोल करने पे थोड़ा सा वैसे रोल करते तो और अच्छा होता, पर सारा मिक्स मैच हो गया यहाँ पे, तो रोल करने पे तीनों कलर दिखे कि नहीं, ग्रीन कलर या ऑरेंज कलर या वाइट, तीनों कलर तोड़ने पे अच्छा परफेक्ट दिख रहे हैं। तो ये हमारी मिठाई बन के तैयार हो गई, बिल्कुल कम चीज़ों से, कम खर्च में, और कोई खोवा नहीं, कोई मावा नहीं है। देखिए कितनी टेस्टी मिठाई। आप बर्फी तो इस तरीके से ज़रूर बनाएं, क्रीम रोल पता नहीं जो है, नारियल रोल बनाएं ना बनाएं, ये तो बच्चे के डिमांड पे बना है, तो तोड़ भी रही।